गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं नाजिया अली खान की तरफ से पाकिस्तान के सभी हिंदुओं को, सभी मुसलमानों को, सभी लोगों को। भारत की इस बेटी की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। यही गणपति बप्पा मोरिया के जो नारे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएई के अंदर देखे जा रहे हैं। एक इस्लामिक कंट्री है, मंदिर बन रहे हैं। दूसरी ये आप देखें कि मोदी साहब वेंट टू द मिडिल ईस्ट विद हिज रिलीजियस माइंडसेट के साथ। वो गया वहां पे, उसने अबू धाबी में मंदिर बनवाए हैं और ये मंदिर पूरे अरब वर्ल्ड में बनने हैं, आप देखिएगा। और फिर मुसलमानों ने कहना की हो गया है जनाब, की होंडा है। पाकिस्तान बोलेगा, सारे मुल्क बोलेंगे इसमें, लेकिन वो करेंगे इस चीज को। मैं तो इसी तरह गणेश जी की पूजा भी करती रहूंगी, सारे जो देवी देवता मेरे घर में हैं उनकी भी पूजा करती रहूंगी और नमाज कुरान जैसे पढ़ती चली आई हूँ इसी तरह पढ़ती रहूंगी। उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि ऐसे ही नहीं मुसलमान पिस रहे। फलस्तीन जो 70 सालों से आजाद नहीं हो पा रहा, उसकी वजह कुछ और नहीं है, उसकी वजह यही हमारी मुनाफिकत है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहता हूं कि जैसा कई लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर, जिसे कई लोग सनातन धर्म भी बोलते हैं, यह माना जाता है कि हजारों लाखों की संख्या में देवी देवता हैं, तो किस किस की पूजा करें। या कभी कोई ये बातें करता है कि मैं तो भगवान राम को मानता हूँ, भगवान कृष्ण को नहीं मानता हूँ, या कोई कहता है कि मैं भगवान शिव को मानता हूँ, बाकी किसी और को नहीं मानता। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि कहा जाता है कि हजारों लाखों की संख्या में देवी देवता हैं, लेकिन हकीकत यह है, और कई लोग जानते भी होंगे, हिंदू धर्म में भगवान एक ही हैं लेकिन उनके रूप अनेक हैं, उनके रूप अलग अलग हैं, उनके अवतार अलग अलग हैं, लेकिन सभी देवी देवता अल्टीमेटली एक ही हैं। जिसका मतलब है कि आप किसी भी देवी देवता को पूजते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही खासियत है सनातन धर्म या हिंदू धर्म की, जिसमें इस बात की रिजिडनेस या कोई शर्त नहीं है कि अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करोगे तो भगवान कृष्ण नाराज हो जाएंगे, भगवान शिव की पूजा करोगे तो भगवान विष्णु नाराज हो जाएंगे। यानी ये ठीक उसी तरह से आप सभी एक ही मंजिल पे पहुंचते हैं, चाहे वो किसी भी रास्ते से आएं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं नाजिया अली खान की तरफ से पाकिस्तान के सभी हिंदुओं को, सभी मुसलमानों को, सभी लोगों को। भारत की इस बेटी की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया। यही गणपति बप्पा मोरिया के जो नारे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएई के अंदर देखे जा रहे हैं। एक इस्लामिक कंट्री है, मंदिर बन रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हिंदूज जो हैं वहां पे अपने कल्चर और अपने रिलीजन को आम करते जा रहे हैं। क्या वजूहत है यूएई बहुत प्रेफरेंस दे रहा है इंडियंस को, हिंदूज को? अनम, ऐसा है कि हर एक धर्मों की खूबसूरती और हर एक धर्मों को पालन करने वालों को एक रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। और क्योंकि हम एक साथ रहते हैं और भारत में तो सबको पता है कि माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटी बहुत फले फूले हैं, बहुत बढ़े हैं। आप अफगान देखो तो क्योंकि वहां पर हिंदू माइनॉरिटी थे वो खत्म हो गए। आप पाकिस्तान देखो, हिंदू माइनॉरिटीज को आप लोगों ने मार काट करके खत्म कर दिया। उसके बाद आप ईरान देखो, वहां पर भी हिंदू माइनॉरिटीज को काट मार करके खत्म कर दिया गया। और अब हालिया में बांग्लादेश को हम लोगों ने अपनी नजरों से देखा है। इसमें कोई इतिहास के पन्ने खोलने की जरूरत नहीं है, हमने हमास और फिलिस्तीन के लोगों को देखा है। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरबिया जो है वो टेररिज्म वाले इस्लाम से अपने आप को दूर रखना चाहता है। और अभी 10 घंटे पहले की बात है, बड़े बड़े टाइम्स अलजेब्रा पे, न्यूज अलजेब्रा पे बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स छपे हुए हैं कि वुमेन के लीगल राइट को जिस हिसाब से तालिबान ने खत्म किया है कि औरतें जो हैं वो बोल नहीं सकती हैं, वो बाहर निकल नहीं सकती हैं, और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर औरतों के सारे हक और सारे लीगल राइट्स को तालिबान ने खत्म किया है, जिस पर मोहम्मद बिन सलमान ने एक अपना जो स्टेटमेंट है वो दिया है कि औरतों का अपना हक है और अपना लीगल राइट है, वो जो चाहे वो पहने और वो जो चाहे वो करे। साथ साथ पूरे यूएई के प्रिंस हैं,
उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी भी तरीके की टेररिज्म इस्लाम को वो यहाँ पर यूएई में चलने नहीं देंगे, ये उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है। अभी देखिए मात्र 9 घंटे पहले की खबर है और मैं आपको टाइम्स अलजेब्रा से ही बता रही हूँ, कहीं और से नहीं बता रही हूँ, जिसमें देखिए ईरान के डिप्लोमेट हैं और आपके जो वजीर आजम हैं, दोनों परेशान हैं ईरान के, इराक के। अब अभी देखिए हमने 2 दिन बहुत खूबसूरत से गणेश चतुर्थी मनाई, हम यहाँ पर भारत में रहते हैं, हम भारत के सिविलाइजेशन को, भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को तो हम पालन करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे, हम कोई इस्लामिक देश में तो नहीं रहते हैं, हम अपने घर के अंदर अपना नमाज भी पढ़ते हैं, हम अपने सूम सलावात भी पूरे करते हैं, लेकिन साथ साथ हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं। मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ इट हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। ये आप देखें कि मोदी साहब वेंट टू द मिडिल ईस्ट विद हिज रिलीजियस माइंडसेट के साथ, वो गया वहां पे, उसने अबू धाबी में मंदिर बनवाए हैं और ये मंदिर पूरे अरब वर्ल्ड में बनने हैं आप देखिएगा, और फिर मुसलमानों ने कहना हो की हो गया जनाब, की होंडा है, पाकिस्तान बोलेगा, सारे मुल्क बोलेंगे इसमें, लेकिन वो करेंगे इस चीज को। सो मैं समझता हूँ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर आइंदा देखने की सारी बात करनी चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह चीजें बन सकती हैं और किस तरह नहीं बन सकती, ठीक है। बट फॉर मी एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, ये देखना कि जो मिडल ईस्ट के अंदर क्या तब्दीली आ रही है, इंडिया इज बिकमिंग अ मिडल ईस्टर्न पावर, दी इमारातीज एंड सऊदीज एंड अदर्स आर लुकिंग कि इंडिया इज मोर इम्पॉर्टेंट, इंडिया हमें खित्ते में एज एन ऑल्टरनेट टू वॉशिंगटन, इस तरह की बात हो रही है, आप समझ रहे हैं ना, इस तरह की बात हो रही है। हिंदुइज्म को न सिर्फ अरब कंट्री बल्कि यूरोप और मगरिब में जो है बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज्यादा प्रेज मिल रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो मुसलमान की जो मस्जिदें हैं, अल्लाह अकबर के नारों पर बैन, इस्लामी मस्जिदों पर बैन। Where are you from and how is your experience? You are attending this since morning. I'm from Germany and it's a very humbling experience. It's very very much like many things happening at the same time, but it's absolutely amazing. Today, happy Ganesh Chaturthi. Hope we said it right. Yes. So we're wishing everybody out there who celebrates it, and it is not just in India; it is actually worldwide. That worldwide, a lot of people that actually celebrate Ganesh Chaturthi. Yes. Why? Because I did a little reading. It is to celebrate his birthday. Whose? Lord Ganesha's.